हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पीटीटी का मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर हैं तो क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा, मेरे इतने नंबर हैं तो क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और अभी भी उनको डाउट्स है कि क्या इतने नंबर में हम काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, क्या हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, इसलिए मैं ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर में काउंसलिंग करवानी है, कितने नंबर काउंसलिंग नहीं करवानी है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे अगर आप लोग, तो आपका जो मन में सारा डाउट है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस, पीटीटी का जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे 260 नंबर हैं तो क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा, मेरे 280 नंबर हैं तो क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा, मेरे 300 नंबर हैं तो क्या आपको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लगभग ये मान के चलिए 350 प्लस कॉमेंट्स बच्चों के आ चुके हैं और अभी भी कॉमेंट्स बच्चों के बराबर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर में काउंसलिंग करवानी है, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया, तो देखने के बाद जो भी आपके मन में डाउट है सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने पहली बार पीटीटी के लिए अप्लाई किया है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कॉलेज यानी कि काउंसलिंग शुरू होने से कॉलेज अलॉटमेंट तक और क्लासें आपकी कब तक शुरू होगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे ज़्यादा सवाल जो है बच्चों का कि मेरे इतने नंबर हैं तो क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा, मेरे इतने नंबर हैं तो क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, काउंसलिंग की जो आपकी प्रक्रिया है इस पर बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग की जो आपकी प्रक्रिया है, अगस्त के फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मान के चलिए 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूँ और ऐसा विश्लेषण करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अगर हम साइंस वर्ग की अगर हम बात करें यानी कि विज्ञान वर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो विज्ञान वर्ग में अगर आपके 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, मैंने कमेंट्स देखे हैं बच्चों के, 400 नंबर वाले बहुत ही कम बच्चे हैं, लेकिन 300 जिन बच्चों के 300 प्लस नंबर आ रहे हैं उनकी संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अगर आपके 300 प्लस साइंस में नंबर अगर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। देखिए गाइस, काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है 4,800 फीस होती है काउंसलिंग की, जिसमें अगर मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिला, सॉरी, काउंसलिंग की जो फीस होती है 5,000 होती है काउंसलिंग की फ़ीस। मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिला, इसमें से 200 रुपये काट के 4,800 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो साइंस वर्ग में अगर आपके 300 प्लस नंबर हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कला वर्ग की बात करें तो कला वर्ग वाले जो बच्चे हैं, अगर आपके नंबर 250 से 260 के बीच में आ रहे हैं, कला वर्ग की बात कर रहा हूं, अगर आपके नंबर 250 से 260 के बीच में आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, काउंसलिंग की फ़ीस है 5,000 रुपये। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर आपको कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात, अगर नहीं मिलता है तो 200 रुपये काट लिए जाएंगे और 4,800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो देख, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है अगस्त के पूरे माह में चलने वाली है और अगले मंथ यानी कि सितंबर से आपकी जो क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिशन आपको आपका अगस्त में हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण कराया जाता है। तो जो भी नए बच्चे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग। अगर आप लोगों ने
और कोई वीडियो देखा होगा उस वीडियो पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है। साइंस वर्ग की अगर हम बात करें, साइंस वर्ग मैंने आपको बता दिया, अगर आपके 300 प्लस नंबर हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। अगर आर्ट्स वर्ग की बात करें, यानी कि कला वर्ग की बात करें, 250 से 260 के बीच में अगर नंबर आपके आते हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। काउंसलिंग की फ़ीस है 5,000 रुपये। अगर आपका एडमिशन अगर हो जाता है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है 200 रुपये काट के 4,800 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट्स है, अगर अब ये मत पूछना कि मेरे सर इतने नंबर हैं हमको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो आपके डाउट्स मन में थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके कला वर्ग में 250 से 260 के नंबर हैं, अगर आपके 250 से 260 के बीच में, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। साइंस वर्ग में 300 प्लस नंबर आ रहे हैं अगर आपके, तो आप काउंसलिंग करवाइए। चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, जो भी नए बच्चे हैं काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ये होगा कि मैं जो मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।